शरीर को असार जानो। तथागत उसे कह रहे थे, जो व्यक्ति जानता है कि यह शरीर फेन यानी झाक के समान है, क्षणभंगुर है, वह मार के पुष्प में बाणों को तोड़ देता है और मृत्यु के सम्राट को कभी भी दर्शन नहीं करता है। वह बालू से बने गरोंदों की माफिक इस दुनिया को जानकर मार के कोमल बाणों से बच जाता है और जीवन और मृत्यु के भवसागर से पार हो जाता है। यह शरीर तो पानी में उठे बुलबुलों की भांति है, जो क्षणिक उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गाथा में कहा, इस शरीर को फेन के समान तथा अनित्य जान मार के फंदे को तोड़कर यम की दृष्टि से परे हो जाए, ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। गाथा नंबर 40। फेनोपमंग कायमिमंग विदित्वा मिरीचि धम्मंग अभि संबुद्धानो छेत्वा न मारस्य पपुफकानि अदसनंग मच्छुराजस्य गच्छे। अर्थ, इस शरीर को फेन के समान तथा मृग मिरीचि के समान असार जान मार के फंदे को तोड़कर यमराज की दृष्टि से परे हो जाए। शब्दार्थ, फेनोपमंग फेन के समान, मरीचि धम्मंग मृग तृष्णा का धर्म अभि संबुद्धानो जानकर पपुफकानी पुष्पमय बाणों को अदसनंग दृष्टि में न मच्छुराजस्य मृत्यु देवता की